Hi friends, I'm Namrata Dagra. Welcome back to Groot Academy. Well, in this video, we are going to discuss about the second chapter of the book Snapshots for class 11th. Guys, the title of the chapter is The Address. This is really very, very pathetic story of a family that lives in Holland and it has to leave the country, its native place, because of World War I. Guys, this is a story of human predicament about war. So guys, let's discuss the characters of the story first. And the first character is the narrator. Narrator ka naam puri story mein kahin par bhi mention nahi kiya gaya hai. She is called either the narrator of the story or Mrs. S's daughter. या तो पूरी कहानी में उसको द नैरेटर के नाम से जाना जाता है या फिर जब वो पहली बार मिसेस डॉलिंग के घर जाती है तो वो खुद को मिसेस एस की बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है. यही बस उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है. इसके अलावा उसकी कोई और पहचान नहीं बताई गई है पूरी स्टोरी में. सेकेंड कैरेक्टर है मिसेस एस का. मिसेस एस इज़ द मदर ऑफ द नैरेटर. मिसेस एस फिजिकली पूरी कहानी में कहीं पर भी विजिबल नहीं होती है, कहीं हमें दिखाई नहीं देती है. वो हमें कहाँ दिखाई देती है? नैरेटर की पुरानी यादों में. नैरेटर जब अपनी माँ को, अपने पुराने दिनों को याद करती है तब हमें मिसेस एस की छवि दिखाई देती है. अदरवाइज मिसेस एस फिजिकली कहीं पर भी विजिबल नहीं होती है. मिसेस डॉलिंग. मिसेस डॉलिंग का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि नैरेटर खुद दो बार उसके घर जाती है जो कि हॉलैंड में रहती है. नंबर फोर और लास्ट कैरेक्टर है एक 15 साल की छोटी बच्ची जो नैरेटर को कब मिलती है, जब वो दूसरी बार मिसेस डॉलिंग के घर जाती है. पहली बार तो मिसेस डॉलिंग उसको घर में आने नहीं देती और दूसरी बार में वो लड़की दरवाज़ा खोलती है. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ फैमिली ऑफ हॉलैंड. हॉलैंड की एक फैमिली की स्टोरी है जिसको वर्ल्ड वॉर वन के दौरान अपनी कंट्री हॉलैंड को छोड़ करके जाना पड़ता है दूसरी कंट्री में क्योंकि सिचुएशंस बहुत ख़राब हो जाती है इसलिए. और दे ऑल्सो हैड टू फेस द कॉन्सनट्रेशन कैम्प्स ड्यूरिंग दिस वॉर. कॉन्सनट्रेशन कैम्प्स क्या होते हैं? वो ऐसे कैम्प्स होते थे जहाँ पर प्रिजनर्स को और सिविलियंस को और बहुत तरह के लोगों को बड़ी ब्रूटल कंडीशंस में रखा जाता था तथा इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था कि बहुत से लोग, हज़ारों और लाखों में लोग कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर ही मर जाते थे. और बहुत रेयर लोग होते थे, बहुत ही कम, ना के बराबर जो लोग होते थे वो ज़िंदा वहाँ से वापस आ पाते थे. तो नैरेटर भी उन्हीं कुछ लोगों में से थी जो ज़िंदा बच के आए थे कंसंट्रेशन कैंप्स से. और अब जो है वॉर ओवर हो चुका है. वॉर इज़ ओवर नाउ एंड द नैरेटर फील्स होमसिक. उसको याद आती है हॉलैंड की और उसकी मदर की बिलोंगिंग्स की जो मिसेस डॉलिंग के घर पर थी. और शी रिकॉल्स द एड्रेस गिवन टू हर बाय हर मदर सेवरल इयर्स बिफोर. अ वुमन नेम्ड मिसेस डॉलिंग ओपन्स द डोर एंड द नैरेटर इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ सेइंग दैट आई एम द डॉटर ऑफ मिसेस एस. अब मिसेस डॉलिंग नाम की एक लेडी दरवाज़ा खोलती है और नैरेटर खुद को मिसेस एस की डॉटर बताते हुए इंट्रोड्यूस करती है और मिसेस डॉलिंग से पूछती है कि क्या आपने मुझे पहचान लिया है. तो मिसेस डॉलिंग जो है अपने चेहरे का हाव भाव ज़रा सा भी चेंज नहीं करती है और ऐसा दिखाती है जैसे वो उसको नहीं पहचानी है. लेकिन नैरेटर उसको पहचान जाती है क्योंकि मिसेस डॉलिंग ने नैरेटर की माँ का ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ है और बिल्कुल वो उसके सामने खड़ी है तो ऑफकोर्स वो उसको पहचानी गई है. लेकिन फिर भी क्योंकि मिसेस डॉलिंग शो नहीं करती है कि उसने उसको पहचान लिया है तो वो नैरेटर खुद को कंफर्म करने के लिए एड्रेस को चेक करती है, फिर से नेम प्लेट को फिर से चेक करती है और उस पर लिखा होता है, ब्लैक कलर के लेटर्स में लिखा होता है डॉर्लिंग और थोड़ा सा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है नंबर 46. तो अब उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, मैं एक सही एड्रेस पे पहुंची हूँ. और फिर जो है थोड़ी देर बाद मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि येस येस, आई रिकग्नाइज यू, हैव यू कम बैक, आई थॉट नो वन वुड कम बैक. तो वो मिसेस डॉलिंग नैरेटर से पूछती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए हो, मुझे तो लगा था कि आप लोग नहीं आओगे.
कभी नहीं आओगे। तो नैरेटर बोलती है, नो नो ओनली आई हैव कम बैक नो वन एल्स, कि मैं ही वापस आई हूँ खाली और कोई भी नहीं आया है। तो नैरेटर टेल्स मिसेस डॉलिंग दैट शी वॉन्ट्स टू टॉक टू हर, शी इज़ कम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग वे जस्ट टू टॉक टू हर। अब वो नैरेटर डॉलिंग को बोलती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए, मुझे थोड़ा सा टाइम आपसे बात करनी है। बट मिसेस डॉलिंग प्रिटेंड्स दैट शी इज़ वेरी बिजी, और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसके घर में कोई है और जो उन दोनों को बात करते हुए देख भी रहा है, और अगर अगर नरेटर घर के अंदर आई तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इसीलिए मिसेस डॉलिंग नहीं चाहती है कि नरेटर घर के अंदर आए। इसीलिए वो गेट को भी बहुत थोड़ा सा ही खोलती है ताकि नरेटर उसके घर से लाई हुई चीज़ों को देख ना सके, और शायद इसीलिए ही वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और जल्दी जल्दी में वो नरेटर के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। शी शट्स द डोर एंड सेज दैट कम बैक सम अदर डे, नाउ शी इज़ वेरी बिजी। अब ऐसा करके वो दरवाज़ा तो बंद करके चली जाती है। अब नरेटर जो है वो उसको बहुत बुरा लगता है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है, और फिर उसके पास कोई और ऑप्शन तो रहता नहीं है। देन शी गोज़ बैक टू द रेलवे स्टेशन बाय फुट, अब वो पैदल ही जा रही है रेलवे स्टेशन, लेकिन ज़रा भी उसको होश नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, ना ही वो इधर उधर कहीं देखती है। शी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ अ पास्ट एंड शी रिकॉल्स द डेज ऑफ अ पास्ट, शी रिकॉल्स अ मदर एंड हर डेज इन हॉलैंड, और उसको याद आता है कि वो वाला इंसिडेंट याद आता है जब बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स उसके घर से गायब हो जाती थी। एंड वंस शी आस्क्स हर मदर अबाउट दोज थिंग्स, तो पहले तो उसकी मदर बहुत अमेज रह जाती है, बहुत शॉक्ड हो जाती है दैट सच अ स्मॉल गर्ल हैव नोटिस्ड दिस चेंज सो क्विकली। वो बहुत अमेज्ड हो जाती है उसकी मॉम की, इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना सारा चेंज कैसे नोटिस कर लिया। लेकिन फिर उसको थोड़ी देर में बताती है कि ये सब सामान जो है वो मिसेस डॉलिंग अपने घर ले जाती हैं ताकि वॉर के टाइम वो उनके कीमती सामान को संभाल के रख सके, इधर उधर ना हो जाए सामान, इसलिए मिसेस डॉलिंग उसको ले जाती है। देन हर मदर सेज दैट शी इज़ हर ओल्ड एक्वेंटेंस, जब वो नैरेटर पूछती है मिसेस डॉलिंग कौन है, तो मिसेस डॉलिंग के बारे में बताते हुए नैरेटर की मदर बोलती है कि वो उसकी पुरानी पहचान वाली है। एक्वेंटेंस बोलते हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम से जानते हो, बहुत काफ़ी समय से जानते हो। तो मिसेस डॉलिंग वो नैरेटर की माँ की पुरानी पहचान वाली थी, इसीलिए वो सारा सामान नैरेटर के घर से ले जाती है धीरे धीरे करके। और यही वो टाइम था जब नैरेटर की माँ नैरेटर को मिसेस डॉलिंग का एड्रेस बताती है। वो एड्रेस क्या होता है, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, मिसेस डॉलिंग का घर। दूसरा इंसिडेंट उसको याद आता है नैरेटर को कि जब मिसेस डॉलिंग वाज वंस कैरिंग अ हैवी सूटकेस फुल ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ नैरेटर्स मदर, नैरेटर के घर से जब मिसेस डॉलिंग एक फुल सूटकेस भर के कीमती सामान का अपने घर लेके जा रही थी, वो फर्स्ट टाइम था जब नैरेटर सीज मिसेस डॉलिंग। दिस टाइम अ 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल opens the door and she is the daughter of Mrs. Darling. अब की बार 15 साल की एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला और जो कि Mrs. Darling की बेटी है। She asks the narrator whom does she want to meet and the narrator says that she wants to meet Mrs. Darling. अब Mrs. Darling तो घर पे है नहीं, इसीलिए वो लड़की बोलती है कि please come inside and wait for Mrs. Darling till she comes. तो वो अंदर लेके जाती है और जैसे ही नैरेटर अंदर जाने लगती है तो पैसेज के थ्रू अंदर जाती है। शी गोज थ्रू अ पैसेज एंड सीज सो मैनी फेमिलियर थिंग्स इनसाइड द पैसेज। तो उन फेमिलियर थिंग्स में वो क्या देखती है कि एक ओल्ड फैशनड कैंडल होल्डर है जो कि बहुत एंटीक है लेकिन बहुत हैवी है यूज़ करने के लिए, बहुत बहुत हैवी है कैरी करने के लिए, तो इसलिए वो उसको यूज़ नहीं करते थे, बहुत रेयर यूज़ करते थे। बट इट वाज वेरी एंटीक एंड ब्यूटीफुल। उसके पास ही एक वुडन टेबल होती है और टेबल के ऊपर एक वुलन टेबल क्लॉथ होता है, एक ऊन से बना हुआ टेबल क्लॉथ बिछा हुआ होता है टेबल पर।
तो जैसे ही वो उसको देखती है तो उसको पुराने दिनों की याद आ जाती है, मीठी मीठी यादें उससे जुड़ी भी होती है। एंड शी मूव्स हर फिंगर्स ऑन द क्लॉथ, और अपनी जैसे ही वो उस टेबल पर अपना हाथ फिराती है तो उस एक बर्नट मार्क उसके हाथ में आ जाता है जहाँ से वो क्लॉथ थोड़ा सा जला हुआ था। और वो ऐसा मार्क था, ऐसा सिंबल था जिसको वो पहचानती थी बखूबी। उसके बाद फिर शी लुक्स इन साइड द रूम एंड सीज हर मदर्स बिलोंगिंग्स एवरीवेयर बट इन अ मैसी वे एज इफ दे हैड नो वैल्यू फॉर मिसेस डॉलिंग। इतनी बुरी तरह से ओल्ड फर्नीचर के साथ और बहुत ही मैसी वे में, मतलब डिसऑर्डर्ड वे में वो सब चीज़ें बिखरी हुई पड़ी पड़ी थी, इतनी कीमती चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी शायद मिसेस डॉलिंग को, इसलिए वो बहुत उदास भी हो जाती है। और उसके बाद फिर वो लड़की जो है मिसेस डॉलिंग की बेटी, उसके लिए चाय लेकर आती है और टी पॉट देखती है तो उसके ऊपर एक गोल्डन लिड होता है, सुनहरे रंग का एक ढक्कन होता है उस पर। उसको वो पहचान जाती है नरेटर, और थोड़ी देर बाद वो लड़की जो है एक ब्यूटीफुल बॉक्स लेके आती है जिसमें से वो सिल्वर स्पून्स निकालती है, और सिल्वर स्पून्स को देख के उसकी याद आता है कि ये भी उसकी माँ की ही है, उसी की बिलोंगिंग्स है ये भी। एंड सीइंग दिस प्रेशियस कटलरी इन द रेगुलर यूज़ द नैरेटर टेल्स द गर्ल दैट दिस कटलरी इज़ मेड ऑफ सिल्वर, दीज स्पून्स आर ऑफ सिल्वर। तो थोड़ी देर बाद में नैरेटर की नज़र प्यूटर प्लेट्स पर पड़ती हैं जो कभी नैरेटर के खुद के घर में लगी हुई होती थी और वो उसकी बहुत ही फेवरेट थी। और अब वो मिसेस डॉलिंग की बेटी उसको कहती है दैट दीज प्लेट्स आर हर फेवरेट एज़ वेल। लेकिन अपनी इतनी कीमती चीज़ों को, इतनी अच्छी अच्छी फेवरेट चीज़ों को इतनी बुरी हालत में देखकर नैरेटर बहुत सैड फील करती है। शी इज़ वेरी सैड, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड एंड शी फील्स दैट इन हॉलैंड नथिंग इज़ लेफ्ट ऑफ हर ओन नाउ। हॉलैंड में उसका कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ट्रेन से वापस अपने घर चली जाएगी और अब वो हॉलैंड कभी भी वापस नहीं आएगी। और एंड शी डिसाइड्स टू फॉरगेट ऑल द मेमोरीज ऑफ अ पास्ट दैट हर्ट हर। जो मेमोरीज, जो यादें उसको इतनी दुख देती है, इतनी तकलीफें देती है, उन यादों को वो अब हमेशा के लिए हॉलैंड में ही छोड़कर चली जाएगी और लाइफ में मूव ऑन करेगी। शी विल मूव अहेड इन हर लाइफ। सो गाइज, दिस वॉज द चैप्टर एंड नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी। सो द फर्स्ट वन इज ब्रुटैलिटीज ऑफ वॉर, due to which we can see a lot of difficulties and hardships faced by the innocent people. Number two is lost identities and hopelessness. Deteriorating situations के चलते, यानी कि बिगड़ते हुए हालात के चलते लोगों को wars के time migrate करना पड़ता है, यानी अपनी country को छोड़कर दूसरी country में जाके रहना पड़ता है, because of which they lose their identities completely. क्योंकि जिस country को वो छोड़कर चले आए हैं ना तो वो वहाँ के रह पाते हैं और ना ही दूसरी कंट्री के लोग उन्हें कभी अपना पाते हैं, वो हमेशा उन्हें स्ट्रेंजर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसीलिए वो अपनी पहचान पूरी तरह से खो देते हैं और होपलेस हो जाते हैं और भगवान के प्रति भी उनका विश्वास जो है वो डगमगाने लग जाता है। बट गाइज, दिस स्टोरी एंड्स ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ऑन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक नोट, बिकॉज इन द क्लाइमेक्स ऑफ द चैप्टर वी कैन सी हाउ द नैरेटर हैज़ अ रोजी, दैट्स अ ब्राइट आउटलुक टुवर्ड्स हर लाइफ। कैसे नैरेटर खुद को संभालती है और एक नई आशा के साथ पुरानी सारी यादों को भूलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। शी सीज द ब्राइट साइड ऑफ हर लाइफ, यस, सो एज टू जस्टिफाई द कोट दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। थैंक यू।